हे गाइस, एमआरटी के सरवानी। आज हम डिस्कस करने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस। इसके पहले मैंने एक्सरसाइज 3.3 कंप्लीट कर दिया है और आज का जो टॉपिक है ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस, तो हम ये जानेंगे कि ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस होता क्या है। मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन, बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इतने सारे इक्वेशंस पड़े हैं और इक्वेशन का सेंस ही यही होता है, लीनियर इक्वेशन, है ना। तो कहने का मतलब है, जब भी हम इक्वेशन की बात करते हैं, हर किसी न किसी के इक्वल में होता है, इक्वल टू में होता है। मतलब कि एल एच एस इक्वल टू समथिंग, आर एच एस इक्वल टू समथिंग, ये होता है। तो सेम यहाँ पर भी है ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन। तो ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन में क्या है? अब भाई ट्रिग्नोमेट्री बोल रहा है तो इसका मतलब है कि जो ट्रिग्नोमेट्री, मतलब ट्रिग्नोमेट्री के जितने सारे रेशियोज होते हैं, जितने सारे मतलब 6 रेशियोज होते हैं, उन 6 रेशियोज का क्या बनेगा? एक इक्वेशन बनेगा। अच्छा, एक और इम्पॉर्टेंट चीज कि इक्वेशन और एक्सप्रेशन में क्या डिफरेंस होता है, इक्वेशन और एक्सप्रेशन में क्या डिफरेंस होता है। मतलब ये कह सकते हैं जो एक्सप्रेशन होता है वो किसी इक्वल टू के में नहीं होता है। मतलब कि जो एक्सप्रेशन, जैसे हम ये एक्सप्रेशन है, ये क्या एक्सप्रेशन है, लेकिन ये किसी के इक्वल टू में नहीं है। अगर यही चीज इक्वल टू में हो जाए, समथिंग मान लो 0 के बराबर है, समथिंग ना, अगर ये क्या है एलएचएस, ये क्या है आरएचएस, किसी ना किसी के इक्वल टू में अगर रहता है तो उसको हम इक्वेशन कहेंगे। अगर ये इक्वल टू में नहीं दिया है, दिस इज अ एक्सप्रेशन, इसको हम एक्सप्रेशन कहेंगे। अब वो चाहे एलजेब्रिक का हो या फिर कोई और फॉर्म का हो, अगर वो किसी इक्वल के फॉर्म में नहीं दिया है, आरएचएस साइड नहीं दिया है, तो हम सिंपल ये कहेंगे दिस एक्सप्रेशन वगैरह वगैरह वगैरह। बहुत सारे बुक्स में ये सारी चीजें लिखी रहती हैं, दिस एक्सप्रेशन, इसी एक्सप्रेशन को कहा जाता है क्या कहते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन, है ना। कहते हैं ना कि लीनियर इक्वेशन ए एक्स प्लस बी, इस इक्वेशन को कहेंगे हम क्या कहते हैं, लीनियर इक्वेशन। जैसे ही लीनियर इक्वेशन कहेंगे वैसे ही 0 के इक्वल हो जाएगा। ऐसे तमाम इक्वेशन जो होते हैं वो इक्वल टू में होते हैं या फिर 0 के इक्वल होंगे, तभी हम कहेंगे वो इक्वेशन है वगैरह, मतलब वैसे तो नहीं कहेंगे। ठीक, यहाँ ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन में भी यही बात करेंगे। ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन में क्या होता है, समथिंग कुछ ऐसा लिखा होगा, समथिंग कैसा लिखा होगा, ऐसा कुछ लिखा है, मान लीजिए ये 1/2 है, ठीक है, इक्वल टू में है ना, तो ये क्या है, ये इक्वेशन है। अब मैं इसको ऐसे रफ कर देती तो क्या ये इक्वेशन कहलाता, नहीं कहलाता ना, एक्सप्रेशन कहलाता। तो इसका मतलब है कि साइन एक्स इक्वल टू 1/2, ये ऐसे दिया हुआ है। अब मुझे ये पता करना होगा कि जो ये 1/2 है, कितने डिग्री की वैल्यू होती है साइन एक्स में, मुझे पता है ये 30 डिग्री की होती है। 30 डिग्री को बोलते हैं पाई बाई सिक्स, क्या बोलते हैं, पाई बाई सिक्स। तो सिंपल मैं ये कह सकती हूँ, इनका लिखने का जो तरीका होता है ऐसे, पाई बाई सिक्स, साइन साइन चला जाता है और आ जाता है एक्स इक्वल टू पाई बाई, ऐसे इसको कट नहीं करेंगे, ऐसे कट नहीं करेंगे, ठीक है, इसको ऐसे कट नहीं करेंगे, बकायदे हम इसको समझेंगे कि साइन साइन चला गया, बस एक्स इक्वल टू क्या आ गया है, पाई बाई सिक्स आ गया। अच्छा, अब ये बताइए कि सिर्फ पाई बाई सिक्स पे ही 1/2 होगा, और भी एंगल्स में भी हो सकते हैं ना 1/2। जैसे कि मुझे ये पता है ये फॉर्मूला, पाई माइनस थीटा होता है साइन पाई माइनस थीटा, साइन थीटा होता है ऑफकोर्स, ओके। मैं यहाँ पर अगर पाई बाई सिक्स इक्वल टू क्या कर दूं यहाँ पर, अच्छा साइन, चलो यहाँ पे मैं x ले लेती हूँ, अगर मैं यहाँ पे x लिया है तो, क्योंकि साइन 180 माइनस थीटा होता है साइन थीटा होता है, और साइन x की जो वैल्यू कुछ इस तरह है 1/2 है। अच्छा, अब ये बताइए कितना आएगा, ये 5π/6, ये बताइए साइन 5π/6 की वैल्यू क्या 1/2 नहीं है, है। साइन 5/6 की वैल्यू भी 1/2 है,
क्यों है? क्योंकि ये आपको फॉर्मूला तो पता ही है। साइन 180 माइनस थीटा होता है इक्वल टू साइन थीटा, सेम यही चीज आ गया। तो मैंने भी तो यही चीज किया यहाँ पर। यहाँ पे क्या किया है कि साइन 180 माइनस थीटा करेंगे तो फिर से साइन पाई बाई सिक्स, और साइन पाई बाई सिक्स की जो वैल्यू होती है 1/2 होती, मतलब ये दोनों आपस में इक्वल है। तो मुझे पता है कि पाई बाई सिक्स पे होती है, 5 पाई बाई 6 पे 1/2 होती है। ये तो मैंने दो निकाल के दिखा दिया। अब साइन और किस किस जगह पे पॉजिटिव हो सकता है? अब ऐसे नहीं कि अभी मैं निकालते फिर तीनों, ये पॉजिटिव है। साइन एक्स इक्वल टू 1/2 क्या है? पॉजिटिव है। तो हम पॉजिटिव एंगल को देखेंगे। जैसे साइन 2 पाई माइनस थीटा क्या होता है? माइनस साइन थीटा होता है, लेकिन वो नहीं लेंगे। लेकिन साइन 2 पाई प्लस थीटा इक्वल टू क्या होता है? साइन थीटा होता है। अच्छा, तो उसको लेंगे तो उसमें भी क्या आ जाएगा? मेरा एंगल आ जाएगा। लेकिन ऐसे तो बहुत ढेर सारे इन्फिनिटी ऑफ एंगल निकलेंगे। जब इन्फिनिटी ऑफ एंगल निकलेंगे तो मुश्किल हो जाएगा ना मुझे ये बताना कि ये ऐसे तो बहुत ढेर सारा हो जाएगा। तो कुछ चीज पे डिफाइन होना चाहिए कि इनके इनके बीच तक ही होना चाहिए। हाँ, इनके इनके बीच में जो ढेर सारे एंगल निकलेंगे उनको हम जनरल सोल्यूशन कहेंगे। क्या कहेंगे? जनरल सोल्यूशन। जनरल सोल्यूशन का सेंस यही होता है कि एक ही वैल्यू पर ढेर सारे एंगल्स निकाल सकते हैं। जैसे इस 1/2 का पाई बाई सिक्स भी है, 5 पाई बाई 6 भी है, और भी होंगे, शायद 7 पाई बाई 6 होंगे। 7 पाई बाई 2 पाई प्लस पाई बाई 6 6 2 12 13 पाई बाई 6 है ना, 13 पाई बाई 6। ऐसे न जाने कितने होंगे। जो इन्फिनिटी ऑफ एंगल्स बनाएंगे उनको हम जनरल सोल्यूशन कहेंगे, ठीक। और जिनका फाउंडेशन होगा, मतलब यहाँ से बस यहाँ तक ही निकालना है, उनको हम कहेंगे प्रिंसिपल सोल्यूशन, ठीक है। उनको क्या कहेंगे? प्रिंसिपल सोल्यूशन, ठीक। तो अच्छा, पहले आज जान लेते हैं प्रिंसिपल सोल्यूशन। प्रिंसिपल सॉल्यूशन एंड जनरल सॉल्यूशन। ओके, प्रिंसिपल एंड जनरल सॉल्यूशन। अच्छा, जो यहां पे जैसे जनरल सॉल्यूशन की अगर हम बात करें, जैसे ये साइन थीटा है, साइन थीटा इक्वल टू अगर जीरो कर दूं, साइन थीटा इक्वल टू जीरो कर दो, तो मुझे पता है ये जीरो किस पे होता है। साइन की वैल्यू साइन पाई, मतलब साइन पाई की वैल्यू हमेशा जीरो होगी। साइन 2 पाई की वैल्यू भी जीरो होगी, साइन 3 पाई की वैल्यू भी जीरो, साइन 6 पाई, साइन 5 पाई, ऑल मल्टीपल्स ऑफ पाई सभी क्या होंगे? जीरो होंगे। मतलब जितने नंबर ऑफ पाई होंगे, मल्टीपल ऑफ पाई नहीं, मतलब जितने नंबर ऑफ पाई होंगे, मतलब यहाँ पे जितने भी, ये देखिए अगर मैं साइन पाई कर दूं, आपको पाई की वैल्यू नहीं पता है तो कोई बात नहीं, इसको ब्रेक कर लेते हैं। पाई बाई टू साइन पाई बाई टू कॉस पाई बाई टू, कॉस पाई बाई टू मीन्स जीरो, ठीक है। अच्छा, चेक कर लेते हैं 2 पाई पे भी। 2 पाई मीन्स पाई प्लस पाई, 580 प्लस थीटा माइनस साइन थीटा। अभी मैंने इसका निकाला कि जीरो होता है, ऑलवेज जीरो। जितने भी पाई होते हैं नंबर ऑफ पाई, पाई साइन पाई, साइन 2 पाई, साइन 3 पाई, साइन 4 पाई, साइन 5 पाई, और जितने ऑफ पाई होते हैं वो सभी, और मल्टीपल्स ऑफ पाई जितने भी हैं वो सभी साइन की वैल्यू क्या देंगे? जीरो देंगे। क्या देंगे? जीरो देंगे। अच्छा, ये तो इन्फिनिटी हो गया ना। क्या हो गया? ये इन्फिनिटी हो गया। जब ये इन्फिनिटी हो गया तो इसको हम जनरल सोल्यूशन कहेंगे। क्या कहेंगे? जनरल सोल्यूशन। तो जैसे ये जीरो दे रहा है, अब देख ही रहे हैं कि ऑल मल्टीपल ऑफ पाई, तो इसको हम लिखेंगे कैसे? थीटा इज इक्वल टू एन पाई।
अब आपको पता ही है एन पाई एन मतलब इंटीजर, अब आपको पता ही है एन पाई का मतलब, अब वो चाहे माइनस में हो चाहे वो पॉजिटिव में हो, वॉट एवर किसी में भी में साइन में हो, किसी की मतलब किसी भी साइन में हो, बट वो साइन अगर पाई है मल्टीपल्स में वो जीरो है, सिंपल। तो एन मतलब क्या, नंबर ऑफ पाई। एन की वैल्यू 1 रखेंगे तो पाई, एन की वैल्यू 2 रखेंगे 2 पाई, जितने सारे और पाईज होंगे वो सभी साइन में जीरो देंगे, तो ये थीटा इक्वल टू एन पाई हो गया। इसको हम लोग क्या कह देंगे, जनरल सॉल्यूशन। इसको क्या कहेंगे, जनरल सॉल्यूशन। ठीक है, उसी तरह कॉस थीटा में भी, कॉस थीटा में भी क्या कहेंगे, जितने भी ऑड मल्टीपल्स ऑफ पाई बाई टू होंगे, जितने भी ऑड मल्टीपल्स ऑफ पाई बाई टू होंगे वो सभी की वैल्यू कॉस में क्या होगी, जीरो होगी, साइन में ऑल मल्टीपल्स ऑफ पाई जीरो, क्लियर। लेकिन कॉस थीटा में क्या होगा, कॉस थीटा में ऑड ऑड मल्टीपल्स ऑफ पाई बाई टू, ऑड मल्टीपल्स ऑफ पाई बाई टू, जितनी ऑड नंबर होगी उनके साथ पाई बाई टू होगा, तो ये कॉस की वैल्यू क्या आएगी, जीरो आएगी। एक एग्जांपल देखते हैं, देखिए मेरा ये काम करता है कि नहीं, कॉस 3 पाई बाई 2, अफकोर्स काम कर रहा है मेरा ये, माइनस कॉस पाई बाई टू, और कॉस पाई बाई टू की वैल्यू जीरो होती है। देखा, मतलब कि यहाँ पर 3 क्या है, ऑड मल्टीपल है, और साथ में ये क्या है, पाई बाई टू है, साथ में क्या है ये पाई बाई टू, मतलब ये 3 क्या था, ये ऑड मल्टीपल्स हो गया और ये पाई बाई टू हो गया। तो जितनी ऑड मल्टीपल्स के साथ पाई बाई टू है, ऑड नंबर इंटू पाई बाई टू करते हैं कॉस में, तो हमेशा वैल्यू क्या आती है, जीरो आती है। मतलब हमें आंख बंद करके कहीं पर ऑड के साथ पाई बाई टू दिख गया, ऑड नंबर के साथ पाई बाई टू दिख गया, सिंपल जीरो कर देना। मुझे इस तरह सॉल्व वोल्व नहीं करना है, कुछ मैथड कुछ थ्योरी भी तो काम आनी चाहिए। ठीक है, ओके। तो और जब भी कॉस थीटा इक्वल टू जीरो होगा तो ये होगा, सबसे पहले मैंने यही लिख दिया, सबसे पहले मुझे यहाँ जीरो लिखना था, उसके बाद ये लिखना था 2n+1 पाई बाई टू एन बिलोंग्स टू दिस। 10 में कॉट में, कॉट का भी यही होता है और 10 का ये होता है, तो हम बेसिकली बेसिकली इन्हीं दोनों को याद करते हैं। ठीक है, 10 की अगर मैं बात कर लूं, 10 में भी यही होगा, 10 थीटा इक्वल टू अगर 0 होगा तो भी यहां पर भी वही होगा, ऑड होगा तो भी ये भी ऑड मल्टीपल हो गए, और मल्टीपल ऑफ पाई बाई टू। वैसे तो बहुत कम ही ये सब आते हैं, ज्यादातर यही 2 है, चेंज हो जाता है। ठीक है, ये तो जनरल सॉल्यूशन की बात हो गई। जनरल सॉल्यूशन हम उसे कहेंगे जितने मतलब इंफिनिटी सॉल्यूशन देते हैं, क्या देते हैं वो, इंफिनिटी सॉल्यूशन। बट प्रिंसिपल सॉल्यूशन वो सॉल्यूशन है जो इंफिनिटी सॉल्यूशन नहीं देता, कुछ रेंज डिफाइंड है, मतलब दायरा है उनका। जैसे कि यहाँ पर साइन एक्स एंड कॉस एक्स कुछ रिपीट आफ्टर, रिपीट आफ्टर एन इंटरवल ऑफ 2 पाई। साइन एक्स एंड कॉस एक्स का ग्राफ एक ऐसा ग्राफ होता है जो 2 पाई के बाद वो क्या करता है, अपने ग्राफ को रिपीट करता है। तो इनका जो पीरियोडिक है, मतलब इनका पीरियड क्या है, वो 2 पाई है। हर 2 पाई के बाद वो साइन एक्स का ग्राफ रिपीट होगा, हर 2 पाई के बाद कॉस एक्स का ग्राफ रिपीट होगा। मैंने अभी ग्राफ एक्सप्लेन नहीं किया है, वो मैं चैप्टर के एंड में करूंगी, लास्ट में, जब मेरा ये पूरा ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन और एक्सरसाइज पूरा फिनिश हो जाएगा एनसीईआरटी का, उसके बाद मैं एक लेक्चर पूरे ग्राफ पर बनाऊंगी।
ठीक है, तो अभी बस हम ऊपर ऊपर समझते हैं कि जो साइन एक्स का ग्राफ है वो 2 पाई के बाद रिपीट होता है, उनका पीरियड है, मतलब साइन एक्स का पीरियड कह सकते हैं 2 पाई, और कॉस एक्स का भी ग्राफ 2 पाई के बाद रिपीट करते हैं, उनका भी पीरियड है 2 पाई। टेन एक्स की बात कर लेते हैं, टेन एक्स और जो टेन एक्स का जो ग्राफ होता है वो पाई के बाद रिपीट करता है, मतलब टेन एक्स का जो ग्राफ होगा वो पाई के बाद रिपीट क्यों करेगा, मतलब फिर से वही शेप मिलेगा, फिर से वही मतलब पाई के बाद वो शेप मिलेगा। ठीक है, तो इनका जो टेन एक्स का जो पीरियड होता है वो पाई होता है, तो ये थोड़ा सा याद रखेंगे। लास्ट में मैं ग्राफ सारा एक्सप्लेन करूंगी, अभी बस इतना ही। तो अच्छा, तो प्रिंसिपल सोल्यूशन बता रहे, प्रिंसिपल सोल्यूशन का एक दायरा है कि 0 से लेकर थीटा 2 पाई, मतलब कि जितनी सारी हम वैल्यूज निकालेंगे वो 0 से 2 पाई के बीच में होना चाहिए और पॉजिटिव होना चाहिए। समझ गए, मतलब प्रिंसिपल सॉल्यूशन हम ये निकालेंगे कि 0 से 2 पाई के बीच, मतलब थीटा की जो वैल्यू होगी वो 0 से 2 पाई के बीच में हो, इनसे ज्यादा ना हो और पॉजिटिव हो। ठीक है, तो हम एक दो एग्जांपल देख लेते हैं फिर बताते हैं। क्वेश्चन है, क्वेश्चन नहीं मतलब एग्जाम्पल ही ले लो, एग्जाम्पल नंबर 18 है एनसीईआरटी का। फाइंड द प्रिंसिपल सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन, ये है फाइंड द प्रिंसिपल सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। भाई इक्वेशन में दिया है तो इक्वेशन में ही बोलेंगे हम, साइन एक्स इक्वल टू √3/2, दिस इज अ इक्वेशन। ओके, अब ये दिया है साइन एक्स इक्वल टू √3/2, इसको बोल रहा है कि प्रिंसिपल सॉल्यूशन निकालें। मैंने प्रिंसिपल सॉल्यूशन की सिर्फ सिंपल सी थ्योरी बताई है, वो 0 से 2 पाई के बीच में लाई करता है, सिंपल। ठीक, और चेक करते हैं एक सॉल्यूशन क्या हो जाएगा इसका, कि कितने डिग्री की वैल्यू होती है, 60 डिग्री, तो π/3 हम रेडियन में ही बात करेंगे, ये हो जाएगा x = π/3। चलो एक तो आ गया, जब तक निकलेगा हम तब तक निकालते रहेंगे, जब तक निकल सकता है, 0 से 2 पाई के बीच में जितना भी निकलेगा हम सभी वैल्यू निकालेंगे, उसको कहेंगे प्रिंसिपल सॉल्यूशन। दूसरा क्या निकल सकता है, दूसरा ये कह सकते हैं और साइन कहाँ कहाँ पॉजिटिव होता है, साइन 180 माइनस थीटा इक्वल टू साइन थीटा, वहां पॉजिटिव होता है तो वहां से भी निकल आएगा, साइन 180 माइनस थीटा, थीटा के प्लेस पर क्या रखेंगे, π/3, क्यों साइन 180 माइनस थीटा करेंगे तो फिर से देखो यही बनेगा, यही बनेगा तो क्या हो जाएगा, ये साइन π/3 मतलब √3/2, फिर से यही आया कि नहीं आया, चेक कर रही थी तो आप लोग वैसे चेक कर लिया करो। हाँ, इनको सॉल्व करेंगे तो 2π/3, साइन साइन चला जाता है और एक्स की वैल्यू 2π/3, जरूरी नहीं कि वो एक्स में ही दे, थीटा में भी दे सकता है। अच्छा, ये 2π/3 देखो ज्यादा तो नहीं, 360 से π/3 60 डिग्री, 60 डिग्री और 2 × 120, 120 डिग्री, ज्यादा नहीं है। तीसरा भी ट्राई कर लेते हैं, तीसरा भी देखते हैं, साइन और कहाँ पॉजिटिव होता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो हम कह सकते हैं साइन 2π + थीटा इक्वल टू साइन थीटा, चेक कर लेते हैं साइन, ओ
टू पाई प्लस पाई बाई थ्री, थ्री टू या सिक्स सेवन, सेवन पाई बाई थ्री, सेवन पाई बाई थ्री, ठीक ये हो जाएगा एक्स इक्वल टू सेवन पाई बाई थ्री। अच्छा ये देखो ज्यादा तो नहीं है, पाई बाई थ्री में तो 60 डिग्री, सेवन सिक्स 42, ओ माई गॉड ये तो ज्यादा हो गया ना, 360 डिग्री से ज्यादा हो गया, जीरो टू पाई के बीच में ही निकालना है तो 420 डिग्री ज्यादा हो गया। तो हम इस चीज को नहीं लेंगे, हम इसको क्या करेंगे नहीं लेंगे, बस यही दो वैल्यू आएगी प्रिंसिपल, ये नहीं आएगी, ये हमारे दायरे से बाहर हो गया, अवकाश से बाहर है, ठीक है भाई। ओके चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, आई होप ये समझ आया हो। नेक्स्ट देख लेते हैं एक बार निगेटिव में, दूसरा इसका एग्जाम्पल दिया है, एग्जाम्पल नंबर 19। एग्जाम्पल नंबर 19 क्या है, 19 ये बोल रहा है कि फाइंड द प्रिंसिपल सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन टेन एक्स इक्वल टू माइनस वन अपॉन रूट थ्री। जो भी मेरे लिए थे साइन एक्स इक्वल टू रूट थ्री बाई टू, उनको हम निगेटिव में भी लिख के दिखा सकते हैं, मतलब निगेटिव लेंगे तो फिर क्या आएगा, ठीक है। तो मैं ये बताने के बाद एक बार निगेटिव ले लेती हूँ और ये बताने के बाद इसका पॉजिटिव बता देती हूँ, ठीक है ओके। अब ये निगेटिव है, सिंपल ये निगेटिव है। अब भाई जीरो से टू पाई, जीरो से टू पाई इनके बीच में तो पॉजिटिव एंगल ही आते हैं, सिंपल हम तो भाई पॉजिटिव ही बनकर आएंगे, अच्छे बनकर ना। तो देखो फिर यहाँ पर टेन एक्स कहाँ निगेटिव होता है, टेन एक्स कहाँ निगेटिव होता है, सेकेंड में होता है, सेकेंड क्वाड्रेंट, थर्ड में तो पॉजिटिव ही होता है, एंड सेकेंड एंड फोर्थ, सेकेंड एंड फोर्थ में होता है। तो और देख लेते हैं फिर, वन अपॉन रूट थ्री, पहले माइनस बोल जाते हैं, वन अपॉन रूट थ्री किसकी वैल्यू है, किसकी वैल्यू होती है 30 डिग्री, तो पाई बाई सिक्स, पाई बाई सिक्स, पाई बाई सिक्स की होती है, यहाँ माइनस नहीं लगा रहे हैं, ठीक है। हमें ये देखना है सेकेंड क्वाड्रेंट, सेकेंड क्वाड्रेंट मतलब कुछ इस तरह होता है, पाई बाई सिक्स। अगर मैं कर दूं टेन 180 माइनस थीटा तो क्या होता है, माइनस टेन पाई बाई सिक्स हो जाएगा, टेन 180 माइनस थीटा, थीटा मतलब पाई बाई सिक्स, तो रिजल्ट क्या था, माइनस टेन पाई बाई सिक्स, और इतने की वैल्यू क्या होती है, वन अपॉन रूट थ्री। क्या यही चीज आया, आया, इसका मतलब मेरा क्या है, सही है, सही स्प्लिट हुआ है। तो टेन, तो इसको हम सॉल्व करेंगे फाइव पाई बाई सिक्स, एक्स इक्वल टू फाइव पाई बाई सिक्स की ये वैल्यू है, टेन फाइव पाई सिक्स की वैल्यू होती है माइनस वन अपॉन रूट थ्री, ना कि पाई बाई सिक्स, पाई बाई सिक्स का मतलब होता है वन अपॉन रूट थ्री, ना कि माइनस वन अपॉन रूट थ्री, ठीक है। टेन में अगर माइनस वन अपॉन रूट थ्री है तो किसकी वैल्यू होगी, फाइव पाई बाई टेन, फाइव पाई बाई सिक्स की वैल्यू जो होती है वो माइनस वन अपॉन रूट थ्री होती है। और दूसरा चेक कर लेते हैं, ये ज्यादा तो नहीं है, चेक कर लेते हैं, पाई बाई सिक्स मतलब 30 डिग्री, 30 डिग्री है फाइव, थ्री फाइव 15, 150 सही है। और टेन कहाँ निगेटिव होता है, फोर्थ क्वाड्रेंट में, फिर यहाँ पे लेंगे टू पाई माइनस पाई बाई छः, यहाँ पे भी निगेटिव आता है, टेन टू पाई माइनस थीटा क्या होता है, माइनस टेन थीटा होता है, मतलब मेरा ये सही आ रहा है, ठीक है। अब एलसीएम लेके इनको सॉल्व कर लेंगे, सिक्स टू जा ट्वेल्व, ट्वेल्व इन इलेवन पाई बाई सिक्स, तो एक्स इज इक्वल टू इलेवन पाई बाई सिक्स,
5 बाई 6 मतलब 30 डिग्री, 330 डिग्री, सही है। 360 से क्या है, कम है, सही है। तो यही दो प्रिंसिपल सॉल्यूशन निकल कर आएगा किसका, 10x का, यही दो। नेगेटिव नहीं होना चाहिए इसीलिए मुझे ये पॉजिटिव में निकालना पड़ा। ओके इसी का पॉजिटिव निकाल लेते हैं, इसी का पॉजिटिव। माइनस हटा दें, इसी का पॉजिटिव अगर करेंगे तो क्या आएगा, 10x इक्वल टू कितने डिग्री की वैल्यू होती है, 5/6, x इक्वल टू 5/6, ठीक। और 10x और का पॉजिटिव होता है थर्ड क्वाड्रेंट में, सेवन पाई बाई सिक्स, पाई बाई सिक्स 30 डिग्री में, एकदम एकदम सही है, ज्यादा नहीं। पॉजिटिव होगा तो ये आएगा वैल्यू, एक पाई बाई सिक्स, एक सेवन पाई बाई सिक्स, ठीक। ओके आई होप समझ में आया हो। अब हम जनरल सोल्यूशन की बात करेंगे, प्रिंसिपल सोल्यूशन तो निकल गया और अब मैं बात करूंगी जनरल सोल्यूशन। जनरल सोल्यूशन का मतलब है कि जो मैंने मतलब जनरल में ये कह सकते जो अभी मैंने बताया, जीरो इनफाइनाइट सोल्यूशन होते हैं, एन वैन की वैल्यू आ जाती है उसमें, वहाँ एन हो जाता है, तो हम ढेर सारे ना दिखाकर सिंपल एन दिखा देते हैं कि मल्टीपल ऑफ एन पाई का, तो ये हम कह सकते हैं जनरल सोल्यूशन है। तो हम पहले जनरल सोल्यूशन की दो या तीन, तीन है, तीन थ्योरम है, पहले उसको एक्सप्लेन करेंगे फिर तो उस पर कुछ क्वेश्चंस करेंगे। प्रिंसिपल सॉल्यूशन कुछ और करा दो, एक तो और करा दो क्या, क्यों ना मैं थ्योरम फर्स्ट है एनसीईआरटी में कि फॉर एनी रियल नंबर एक्स एंड वाई, साइन एक्स इक्वल टू साइन वाई इम्प्लाइज डेट डेट वगैरह वगैरह। मैं साइन एक्स इक्वल टू साइन वाई लेके नहीं बता रही हूँ, मैं साइन थीटा इक्वल टू साइन अल्फा ले रही हूँ, वो इसलिए क्योंकि मुझे अल्फा ज्यादा सुटेबल लगता है। ओके तो मैं वही लूंगी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने तो ये बता ही दिया है कि साइन थीटा जब जीरो होता है तो इनका जनरल सोल्यूशन कुछ ये होता है, और ये मैं पहले ही बता चुकी हूँ। और कॉस थीटा अगर जब जीरो होता है तो उनका जनरल सोल्यूशन होता है, ओ सॉरी, 2n+1π/2 कुछ यूं होता है, ठीक। ये बताया था मैंने कि ऑल मल्टीपल्स ऑफ पाई बाई टू होते हैं तो कॉस की हमेशा वैल्यू जीरो देंगे, सारे मल्टीपल ऑफ पाई होते हैं साइन में तो सभी वैल्यू क्या होंगी, जीरो। ये मैं पहले ही एक्सप्लेन कर दी हूँ, मुझे इसकी अभी जरूरत पड़ेगी। थ्योरम वन, अल्फा
ये है प्रोब्रेट द जनरल सॉल्यूशन ऑफ साइन थीटा इक्वल टू साइन अल्फा इज गिवन बाय थीटा इक्वल टू एन पाई प्लस माइनस वन की पावर एन अल्फा एन बिलोंग्स टू जेड। जेड का मतलब इंटीजर, जो एन है वो इंटीजर को बिलोंग करो, और इंटीजर का मतलब होता है, हमें ऐसा लगता है कि आप लोग जानते हैं क्या होता है, जिसमें प्लस नंबर भी है और निगेटिव नंबर भी है, उसको हम क्या कहेंगे, इंटीजर कहेंगे। ठीक, अब इनको प्रूफ कैसे करना है। साइन थीटा इक्वल टू साइन अल्फा है। अभी तक जो मैं सॉल्व कर रही थी वो कुछ बराबर में इक्वेशन था, इस तरह से, ना कोई अल्फा नहीं था, इट मींस कोई एंगल नहीं था, मतलब कि आप जब सॉल्व कर रही थी कुछ ये था। यहाँ क्या आ गया, पाई बाई सिक्स और 1/2, मुझे 10 की वैल्यू याद आ गई। साइन थीटा इज इक्वल टू 1/2, ठीक, पाई बाई सिक्स, ये क्या हो गया, साइन थीटा, साइन थीटा, साइन साइन अल्फा की जो वैल्यू है वो कुछ पाई बाई सिक्स है। क्या मैं इसे कंपेयर कर रही हूँ, देखो इसे कंपेयर कर सकते हैं ना, साइन थीटा इक्वल टू साइन अल्फा, साइन थीटा इक्वल टू 1/2 दिया हुआ है, तो साइन थीटा इक्वल टू साइन पाई बाई सिक्स। अगर मैं प्रिंसिपल सॉल्यूशन ना बोलकर मैं ये कहूँ कि इसका जनरल सॉल्यूशन निकालो, क्या निकालो, इसका जनरल सॉल्यूशन, तो जनरल सॉल्यूशन निकालने के लिए मुझे ये पता है साइन साइन चला जाता है और जनरल सॉल्यूशन आ जाएगा एन पाई प्लस माइनस वन की पावर एन, और अल्फा की प्लेस पर ये क्या है, पाई बाई सिक्स। मैं यहाँ लिख दूंगी पाई बाई सिक्स। अगर ये साइन थीटा इक्वल टू साइन अल्फा था तो थीटा इक्वल टू एन पाई प्लस माइनस वन की पावर, जो यहाँ अल्फा था वही अल्फा तो आ गया। सेम इक्वेशन है, ऐसे कंपेयर करेंगे। अगर मुझे प्रिंसिपल नहीं निकालना होगा तो जनरल मेरा ऐसे निकलेगा, ये फॉर्मूला, अगर साइन होगा तो। ठीक, तो मैं ये तो मैं बेसिकली बस ऐसे नॉर्मल सा बता दी, क्वेश्चन तुमको ऐसे ही करना है, थ्योरम तो कहीं प्रूविंग वरूविंग नहीं आएगा, लेकिन फिर भी मैं बता दे रही हूँ। ठीक है, तो क्वेश्चन को आपको ऐसे ही डील करना है, ऐसे दिया रहेगा, ऐसे जनरल सोल्यूशन लगाना है, सिंपल। साइन थीटा माइनस साइन अल्फा इक्वल टू जीरो, यहाँ पे फॉर्मूला लगा देंगे साइन सी माइनस साइन डी, टू कॉस थीटा प्लस अल्फा बाई टू बाई टू, ये जीरो, ये तो जीरो में चला गया। क्या कॉस थीटा इक्वल टू जीरो हो सकता है, ऑफ कॉस हो सकता है, अभी मैंने बताया था ऑफ कॉस हो सकता है। ये जीरो कब होता है, ये जीरो तब होता है अगर मैं प्रिंसिपल वो जनरल सॉल्यूशन जिसका मैंने बताया था ऑड 2n+1 पाई बाई टू, कुछ इस तरह होता है, यू ये 2 से मल्टीप्लाई होगा तो यू अगर 2n+1, ये कुछ यू पाई बन जाएगा, और थीटा इक्वल टू 2n+1 पाई माइनस अल्फा। ठीक है, ये बन जाएगा सेम यहाँ पर। क्या साइन थीटा इक्वल टू जीरो हो सकता है, ऑफ कोर्स हो सकता है, अभी मैंने बताया था इसका जनरल सोल्यूशन, तो इसका जनरल सोल्यूशन अभी मैंने बताया था एन पाई होता है। ठीक हाँ। अच्छा मैं 1 मिनट,
पढ़ाते पढ़ाते प्यास लग जाती है। ये कह सकते हैं हम, ये जो है पाई के साथ ऑड टर्म्स है, ऑड होने की वजह से अल्फा क्या हो गया, निगेटिव हो गया। ये जो पाई है इस पाई के साथ ऑड मल्टीपल्स है ना, ये ऑड होने की वजह से अल्फा क्या हो गया, निगेटिव हो गया। यहाँ पर क्या है, अगर मैं एन को क्या समझू, इवन समझू, जैसे यहाँ पे ऑड था, यहाँ पर क्या समझे, अगर मैं इसको एन को इवन नंबर लेता हूँ, मतलब लेती हूँ, अगर मैं एन को इवन नंबर लेती हूँ तो अल्फा क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। तो यहाँ पर अगर मैं इवन नंबर लूंगी तो यहाँ पर अल्फा पॉजिटिव, यहाँ अगर मैं ऑड नंबर लूंगी तो अल्फा निगेटिव होगा। ठीक है, तो मैं ये कह सकती हूँ डिपेंड करता है एन पर, डिपेंड करता है एन पर। तो ओवरऑल ये फर्स्ट इक्वेशन है, ओवरऑल ओवरऑल मैं क्या कह सकती हूँ, थीटा थीटा इक्वल टू, यहां मैं पाई लिख दी। ठीक है, मुझे मतलब कि अगर मैं पाई के साथ कोई भी इंटीजर मल्टीप्लाई करती हूँ, अगर मैं ऑड करूंगी तो निगेटिव आएगा अल्फा, इवन करूंगी तो अल्फा पॉजिटिव आएगा, है ना। तो मैं वो कोई भी इंटीजर मल्टीप्लाई कर रही हूँ क्या, एन एन को कर रही हूँ, अगर इवन है तो प्लस आएगा, अगर ये एन ऑड है तो माइनस आएगा और अल्फा लग गया। बस यही करना था। हाँ, ये थ्योरम क्या हो गया, प्रूव हो गया। और ये थ्योरम क्या हो गया, प्रूव हो गया। नेक्स्ट थ्योरम टू, थ्योरम टू क्या है, ऑफ कॉस थीटा है, कॉस थीटा इज इक्वल टू कॉस अल्फा, इज गिवन बाय थीटा इज इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस अल्फा, ऐसा कुछ है। ठीक है, अच्छा मैं इसका भी एग्जांपल दे दूँ कुछ। जैसे अभी कॉस थीटा इज इक्वल टू, चलो ठीक है यही ले लेते हैं, √3/2 है ना। अच्छा अभी मैं इसका प्रिंसिपल सॉल्यूशन निकाल रही थी, तो क्या था, थीटा इज इक्वल टू पाई बाई 30 डिग्री है ना, तो पाई बाई 6 हो गया, और कहाँ ये पॉजिटिव आता है, फोर्थ क्वाड्रेंट में, तो 2π - π/6, 2 12, 11π/6। हाँ, 11π/6, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव आता है तो प्रिंसिपल सॉल्यूशन से तो निकल आएगा सिंपल एंगल, जो जो पॉसिबिलिटी होगी वो एंगल निकल आएंगे 0 से 2π के बीच में। बट यहाँ तो हमें जनरल सोल्यूशन निकालना है, प्रिंसिपल सोल्यूशन नहीं निकालना है, तो जनरल सोल्यूशन में तो एन आता है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पर, सिंपल एक ही वैल्यू, जनरल सोल्यूशन में एक ही वैल्यू चाहिए होती है, एक ही वैल्यू, वो क्या है, एक ही वैल्यू चाहिए, एक ही वैल्यू नहीं, एक ही वैल्यू चाहिए, √3/2 मतलब 5/6। अच्छा, ये देखो कॉस थीटा कॉस थीटा, कॉस अल्फा, ये कॉस अल्फा ही तो है, 5/6 दैट इज अल्फा, 5/6 डेट इज अल्फा। तो सेम हमारा ये जो फॉर्म बन रहा है सेम यहाँ पे भी बन रहा है, जब मेरा ये फॉर्म बनता है तो कुछ ये फॉर्मूला होता है, थीटा इज इक्वल टू दिस, मैं भी क्या करूंगी, थीटा इज इक्वल टू 2
टू एंड पाई प्लस माइनस और अल्फा की प्लेस पर ये पाई बाई सिक्स कर दूंगी, सिंपल पाई बाई सिक्स। ये मेरा जनरल सोल्यूशन निकल आया किसका, कॉस का। ऐसे मुझे इस्तेमाल करना है, ठीक है, सिंपल और कुछ नहीं करना है, लेकिन मुझे प्रूफ कराना है। इस वजह से मैं क्वेश्चन को कंटिन्यू नहीं रख सकती, पहले मैं थ्योरम प्रूफ कराऊंगी, उसके बाद तब मतलब आगे और क्वेश्चंस कराएंगे। ये बता दो, एक टेन एक्स का है मतलब टेन थीटा का, वो बता दो, तो उसमें क्वेश्चन पे ही आते हैं। तो मुझे लगता है ये समझ में आ गया, इसको कैसे यूज करेंगे। ठीक, कॉस सी माइनस कॉस डी, कॉस सी माइनस कॉस डी का मतलब क्या होता है, फॉर्मूला फॉर्मूला होता है टू साइन थीटा प्लस अल्फा बाई टू अल्फा माइनस, चलो यहाँ पे माइनस बाहर ले लेते हैं और यहाँ पर भी थीटा माइनस अल्फा कर देते हैं बाई टू, ये चला गया जीरो में। ये जीरो के इक्वल टू दिखा दें, थीटा माइनस अल्फा बाय टू इक्वल टू जीरो, ये पॉसिबल अभी बताया था। साइन थीटा जब जीरो होता है, ये अल्फा है भैया, अल्फा है, कट नहीं है, टू एन पाई थीटा स्क्वायर टू माइनस अल्फा, यहाँ पे भी एन पाई, टू एन पाई, टू एन पाई प्लस अल्फा, ये हो जाएगा फर्स्ट इक्वेशन, ये हो जाएगा सेकेंड इक्वेशन। ठीक है, ये भी थीटा इक्वल, ये भी थीटा इक्वल है, मतलब ये एन जो है ऑड होगा तो भी क्या होगा, ये मतलब ऑड क्या, ऐसे समझो ना, एक बार प्लस में और एक बार माइनस में है, तो हम यही चीज पर लिख देंगे थीटा इक्वल टू टू एन पाई प्लस माइनस अल्फा, और n belongs to integer, n की वैल्यू कुछ भी हो सकती है। यहाँ पर इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन निकलेंगे, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन निकलेंगे cos के, एक ही वैल्यू दी रहेगी, उसके नंबर ऑफ इनफाइनाइट सॉल्यूशंस निकलेंगे। ठीक, अब tan x का, ओके, समझ आ गया होगा, मैं बार बार कह रही हूँ, एनसीईआरटी में एक्स और वाई करके दिया है, यहाँ पर लिखा रहेगा टेन एक्स इक्वल टू टेन वाई, तो वो भी वही है, मैं जो बता रही हूँ वो भी वही है, सबका अपना अपना तरीका होता है डिनोट करने का। ठीक है, अल्फा ये है, अब यहाँ पे एग्जाम्पल ले लेते हैं, टेन थीटा इक्वल टू रूट थ्री, मुझे इसमें प्रिंसिपल सॉल्यूशन नहीं निकालना है, जर्नल निकालना है, तो जर्नल जब निकालेंगे क्वेश्चन में आपके लिखा रहेगा कि फाइंड द सॉल्यूशन,
फाइंड अ सॉल्यूशन लिखा है तो इसका मतलब जनरल सॉल्यूशन ही निकालना है, और इस तरह का कुछ बना के दे दिया तो इक्वेशन। और दूसरी चीज, जब प्रिंसिपल निकालने को बोलेगा तो आपको क्वेश्चन में लिख कर आएगा फाइंड द प्रिंसिपल सॉल्यूशन ऑफ दिस दिस दिस, ओके। लेकिन जनरल सॉल्यूशन में हर बार जनरल नहीं लिखेगा, फाइंड द जनरल सॉल्यूशन आपको बस बोल देगा सॉल्व, और सॉल्व द इक्वेशन, या कभी कभी बोल देगा फाइंड द जनरल सॉल्यूशन, ऐसे। तो इसका मतलब सबका वही है। ये कितने डिग्री वैल्यू होती है? 5/3, 60 डिग्री की होती है। देखो ये भी 10 थीटा, ये भी 10 थीटा, 10 अल्फा, तो 10 अल्फा, अल्फा की प्लेस पर 5/3, तो लिखेंगे थीटा इज इक्वल टू एन पाई प्लस 5/3। ये हो गया 10 का जनरल सॉल्यूशन। 10 में दिया होगा 10 का जनरल सॉल्यूशन, कॉस में दिया था कॉस का, साइन का दिया होगा तो साइन का। जैसे क्वेश्चन दिया है हम उसके अकॉर्डिंग सॉल्व करेंगे और उसके अकॉर्डिंग जनरल सॉल्यूशन यूज करेंगे। आई होप ये भी समझ में आया हो। इनको इधर ट्रांसफर करेंगे, इसको साइन कॉस में चेंज करेंगे। ये सब तो जीरो को बराबर वैसे भी होती है। साइन थीटा कॉस अल्फा माइनस कॉस थीटा साइन अल्फा, साइन जीरो कब होता है? एन पाई पे। एन पाई पे साइन क्या होता है? ऑल मल्टीपल्स ऑफ पाई, साइन पाई मतलब जीरो। थीटा इक्वल टू हो गया एन पाई प्लस अल्फा, प्रूव हो गया। ये तो और इजी था, ठीक है, ये प्रूव हो गया। अब हम आते हैं क्वेश्चन पर। किस पर आते हैं? क्वेश्चन पर। ये क्वेश्चन कुछ इस तरह है, पहले एक चीज और बता देते हैं। ये सारे स्क्वायर का ये यही होता है। एक बार मैं मिला लू, सारे साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू साइन स्क्वायर अल्फा जो होता है, थीटा इक्वल टू एन पाई प्लस माइनस अल्फा, यही होता है। चाहे वो कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉस स्क्वायर अल्फा हो, चाहे टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू टेन स्क्वायर अल्फा हो, इन जितने सारे स्क्वायर में ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो दिया है उनका अगर मुझे जनरल सॉल्यूशन निकालना होगा तो थीटा इक्वल टू एन पाई प्लस माइनस अल्फा होता है, ठीक है, ओके। ओह, थ्योरम का मैंने नंबर चेंज नहीं किया है, लेकिन आप लोग तो चेंज कर ही लिए होंगे।
ठीक है, ये थ्योरम नंबर थर्ड है। ये थ्योरम नंबर क्या था? थर्ड था, और इसके जस्ट पहले वाला थ्योरम नंबर टू था, जो पहला बताए थे वो थ्योरम नंबर फर्स्ट था। आप लोग को एक टेबल बनवा देती हूँ जिसको मतलब याद करने दिक्कत ही ना हो। टेबल जैसे यहाँ पर होगा ट्रिग्नोमेट्रिक, ठीक है। ये टेबल थोड़ा सा इजी पड़ेगा। इजी क्यों पड़ेगा ये चीज? क्योंकि सब कुछ एक लाइन से लिखा रहेगा तो थोड़ा सा सही लगेगा। ठीक है, थर्ड नंबर। ओह ओह, साइन थीटा इज इक्वल टू साइन अल्फा, तो क्या होता है ये चीज? ओह मैं खुद ही भूल जा रही हूँ। एन पाई प्लस माइनस वन की पावर दिस, ये होगा दिस। फोर्थ नंबर, कॉस थीटा इज इक्वल टू कॉस अल्फा, थीटा इज इक्वल टू टू एन पाई प्लस माइनस अल्फा, ये हो जाएगा टेन थीटा इज इक्वल टू टेन अल्फा एन पाई, अभी मैंने ये सारा चीज प्रूफ कराया है। मैं ऑलरेडी इसको एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, बस एक टेबल में लिख रही हूँ, अच्छे से देख लो। ये तो हो गया। अब स्क्वायर वाले की बात आ जाती है। स्क्वायर वाला क्या है? थीटा इक्वल टू प्लस माइनस अल्फा एन पाई प्लस माइनस अल्फा कॉस कॉस ना। ये जितने सारे स्क्वायर होते हैं उन सभी का यही होता है। मतलब एक स्क्वायर का अगर हम याद कर लेंगे तो वही होगा। ओके, अब आते हैं कुछ क्वेश्चंस पे। क्वेश्चंस ये है, इसको मैं रफ करती हूँ। सिंपल है, साइन थीटा इक्वल टू अगर जीरो होता है तो उसका जनरल सोल्यूशन एन पाई होता है थीटा इज इक्वल टू। ये टेबल आपको बड़ा काम आने वाला है, जब आप क्वेश्चन करने बैठेंगे तो टेबल आपको बड़ा काम आएगा, क्योंकि थ्योरम तो एक पूरा प्रूव हुआ है। फिर नेक्स्ट पेज में फिर आपको ढूंढना पड़ेगा। टेबल में क्या रहेगा? सामने सामने रहेगा तो थोड़ा इजी पड़ता है क्वेश्चन करने में। ठीक है,
क्वेश्चन है, फाइंड द जनरल सॉल्यूशन ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस। बोल रहा है कि जनरल सॉल्यूशन निकालना है साइन टू थीटा इक्वल टू जीरो। अब एंगल तो कुछ भी हो सकता है, वो जरूरी थोड़ी ना कि साइन थीटा ही हो। थीटा मतलब कुछ भी हो जाए, साइन टू थीटा, साइन थ्री थीटा, साइन फोर थीटा, बस बराबर अगर जीरो दिया है तो जनरल सॉल्यूशन कुछ भी हो। मतलब जनरल सॉल्यूशन जो फॉर्मूला होगा साइन का वही लेंगे, है ना। तो मैं ये एग्जांपल कह लूँ, चलो ठीक है क्वेश्चन कह लेती हूँ। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, फाइंड द जनरल सॉल्यूशन ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन। द फॉलोइंग इक्वेशन, फर्स्ट मैंने ये देख लू पहले, ये तो साइन टू थीटा इक्वल टू जीरो है। ठीक, अब ये जीरो के बराबर तो है ना, सिंपल। ये टू थीटा हो, थ्री थीटा हो, फोर थीटा हो, व्हाट एवर, कोई भी थीटा हो, लेकिन हमारा टारगेट जो है वही होना चाहिए। मतलब हमारा टारगेट क्या होना चाहिए, वही होना चाहिए। तो हमें जीरो किस पे मिलता है, हमें जीरो किस पर मिलता है, साइन पाई पे मिलता है। हम यहाँ पे अगर साइन पाई लिख दें और ये टू थीटा इक्वल टू, इसका जनरल सोल्यूशन होता है कुछ एन पाई करके, और ये आ जाता है एन पाई इक्वल टू ये। मतलब मुझे ये स्टेप करने की जरूरत नहीं थी, डायरेक्ट मुझे ये ही करना था, बस आ गया, आ गया जनरल सोल्यूशन मेरा। कुछ भी जीरो, अगर ये जीरो के बराबर दिया है साइन थीटा, तो इसका मतलब है कि उसका जो भी जनरल सोल्यूशन मैंने बताया है बस वही निकालना है। नेक्स्ट नेक्स्ट, साइन थ्री थीटा बाई टू, अब भाई जो बताया क्या, अब ये इसको पूरा पूरा हम जब थीटा मान रहे हैं तो क्या होगा, जब हमें पता है ये होता है थीटा इक्वल टू दिस, तो हम भी दिस कर देंगे, तो ये हो जाएगा थ्री थीटा बाई टू इक्वल टू एन पाई, और थीटा की वैल्यू निकल आएगी। आ गया, इसका थर्ड पार्ट देखिए, साइन स्क्वायर टू थीटा, मैं सारे फॉर्म में बता रही हूँ। स्क्वायर के लिए मैंने क्या बताया था बताइए, स्क्वायर हो तो क्या हो, एन पाई प्लस पाई अल्फा, है ना। तो फिर क्या फायदा, पर क्या फायदा, इसका तो आंसर वही आने वाला है ना, एन पाई बाई टू। अगर ये स्क्वायर है तो ये जीरो में, जीरो की पावर वन बाई टू, मतलब जीरो ही हो जाए। चाहे आप वैसे ही कर लीजिए, चाहे वो फॉर्मूला लगा लीजिए एन पाई प्लस माइनस अल्फा, और अल्फा की प्लेस पर यहाँ क्या था, क्या है, जीरो है, मतलब पाई होगा। ये जाएगा टू पाई इक्वल टू एन पाई, साइन जीरो मतलब जीरो ही होता है। ये हो गया सारे फॉर्म, कॉस में भी कुछ देख लेते हैं, कॉस में भी ये रफ कर दें, कॉस में भी और टेन में भी। आई होप ये हो गया, हो गया। सेकेंड क्वेश्चन है, कॉस थ्री थीटा इक्वल टू जीरो,
अब ये 0 के बराबर है। अब मुझे पता है कि कॉस का जनरल सोल्यूशन क्या होता है जब वो 0 के इक्वल टू होता है। तो कॉस का मतलब जनरल सोल्यूशन क्या हो सकता है? हो सकता है क्या मतलब है, क्या है? मैं वही जो मैंने अभी बताया है, मतलब 2n+1 π/2 और मल्टीपल्स ऑफ π/2। सीधा सीधा लिख दो यहाँ पर 3θ, इसको सोचना ही नहीं है कुछ। थीटा इज इक्वल टू ये, इसका सेकंड पार्ट, फिर से यहाँ पे वही सेम चीज है। ये 2 से 2 तो चला ही जाएगा, यानी कि π/3, ठीक है, π/3। इसका थर्ड पार्ट, क्या है? cos²θ। अगर ये स्क्वायर में है तो क्या हम स्क्वायर वाला फॉर्मूला लगाएंगे? नहीं, ये तो वैसे भी 0 हो गया ना, सिंपल। हम क्यों इतना कॉम्प्लिकेटेड करें? 0 को बराबर ऐसे दिखा देते हैं और इसको लिखते हैं कुछ यू। ये आएगा आपका आंसर, देख लीजिए। थर्ड क्वेश्चन है अब 10³, ठीक है। अब मैं 10³ दिखा देती हूँ, 10 भी कैसे होता है 0। tan²θ = 0। जब tan θ = 0 होता है तो उसका जनरल सोल्यूशन क्या होता है? मैंने ही बताया था कि जो साइन का जनरल सोल्यूशन होता है 0 होने पर, वही 10 का भी होता है। तो मतलब n π होता है, ठीक है। तो ये आएगा 2θ = n π। tan θ/2 = 0, तो सेम यहाँ पर भी इनका वही n π 2n π। ये हर जगह लगाना है, n belongs to integer, नहीं तो डिफिनेशन गलत हो जाएगी। ये हो गया। मुझे एक चीज याद आ रहा है, मैं वो बता दूं, ये हो जाए तो मैं जब थ्योरम फर्स्ट बता रही थी, थ्योरम फर्स्ट मैंने कुछ यहाँ पर ये लिखा था, sin θ = sin α, और लिखा था θ = कुछ u। लेकिन इसके साथ ये भी है -π/2 से π/2,
माइनस, मतलब जो ये अल्फा होगा वो किसके बीच में लाई करेगा, -π/2 से π/2 के बीच में लाई करेगा। ठीक है, ये जो अल्फा होगा वो -π/2 से π/2 के बीच में आएगा, इससे ज्यादा एंगल नहीं हो सकता है साइन का। ठीक, तो ये हम रेंज भी याद करेंगे, नहीं याद करेंगे तो आप लोग गलत कर देंगे। ये लिखना बहुत जरूरी है, इसको लिख लो। और थ्योरम 2 क्या है? थ्योरम 2 में मैंने ये बताया था, कॉस थीटा इज इक्वल टू कॉस अल्फा, और थीटा इज इक्वल टू होता है 2n π + -α, और कुछ ये बताए थे। तो कहने का जो मतलब होता है, यहाँ पर जो होगा ये अल्फा बिलोंग्स टू है, यहाँ पे अल्फा बिलोंग क्या है, 0 से π के बीच में होना चाहिए। जो कॉस की वैल्यू होगी 0 से π के बीच में होना चाहिए। ठीक है, नहीं तो जो मतलब कि इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए, कॉस की वैल्यू 0 से π के बीच में होना चाहिए, उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए कॉस में अल्फा में। तो ये सबका बड़ा यूज है, नहीं तो आंसर डिफर करेगा, आएगा नहीं। थ्योरम थर्ड में मैंने ये बताया था, टेन थीटा इज इक्वल टू टेन अल्फा और n π + α, और यहां पर भी सेम वही सिचुएशन है, -π/2 से π/2 के बीच वैल्यू होती किसकी, 10 में। तो जब भी यहाँ अल्फा की वैल्यू होगी, देखना इससे ज्यादा नहीं होगी, और जब भी कॉस की वैल्यू होगी तो 0 से π के बीच में होगी, इससे ज्यादा नहीं होगी जब भी वो वैल्यू देगा। ठीक, अभी जब हम क्वेश्चन करेंगे तो हमें खुद आइडिया हो जाएगा, इसको आप लिख लीजिए, बहुत जरूरी है। अच्छा, मैं साइन कॉस 10 का ही, तीन तीन ही होता है जनरल सोल्यूशन, सेक का क्यों नहीं होता, कॉसे का क्यों नहीं होता, कॉट का क्यों नहीं होता, वो इसलिए नहीं होता, इतना ढेर सारा फॉर्मूला बनाने की क्या जरूरत है। अगर वो कॉट में दिया है तो उसको मैं 10 में चेंज कर लूंगी, 10 में चेंज कर लूंगी, उसके बाद जनरल सोल्यूशन जो होगा लगा लेंगे। कहीं अगर कॉसेक दिया है तो सबसे पहले मेरा काम होना चाहिए साइन में चेंज करने का। ठीक है, साइन में चेंज कर लेंगे, इससे क्या हो जाएगा कि मुझे साइन का जनरल सोल्यूशन मिल जाएगा, मतलब लगा सकते हैं, क्योंकि कॉसेक का तो पड़े नहीं है, ये दोनों आपस में रेसिप्रोकल होते हैं, इसीलिए कॉसेक का, सेक का और कॉट का जनरल सोल्यूशन नहीं बनाया गया है, सिर्फ इन्हीं तीनों को बनाया गया, और इन्हीं तीनों को सिंपलीफाई कर करके हम कोई भी क्वेश्चन कर लेंगे, ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन। पूरी एक्सरसाइज इन्हीं पर बेस्ड है, इन्हीं तीन थ्योरम पर बेस्ड है। ओके, कुछ और एग्जाम्पल हो जाए, अभी तक तो मैंने 0 0 ही बताया है, कुछ अदर। क्वेश्चन कैसे कह रहा है, फाइंड द जनरल सोल्यूशन, साइन थीटा प्लस 1 इक्वल टू 0 ऐसा दिया हुआ है, तो हम बना लेते हैं -1, इसको उधर ले जाएंगे इसलिए -1 हो गया, साइन थीटा इक्वल टू -1/2। अभी देखो जो साइन की वैल्यू है वहां मैंने लिखा था -π/2 से π/2 के बीच में रहेगा, तो रहेगा ये, इसका हमें जनरल सोल्यूशन निकालना है।
कितनी डिग्री की वैल्यू होती है, पहले माइनस भूल जाएंगे। प्रिंसिपल नहीं निकाल रहे हैं कि हम इसको पहले चेक करें कि क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है फिर उसकी पॉजिटिव वैल्यू निकाले, 0 से 2 पाई। नहीं, जर्नल निकाले ना, जर्नल का तो रेंज यही होता है अल्फा का, -π/2 से π/2। कितनी डिग्री वैल्यू होती है π/6 की, 30 डिग्री। इस माइनस को अंदर भेज सकते हैं क्योंकि क्योंकि साइन माइनस थीटा होता है माइनस माइनस साइन थीटा, यही प्रॉपर्टी यहां लगाई गई है। तो अब जनरल सोल्यूशन क्या होगा अल्फा के लिए, n π + -1 की पावर -π/6। और सिंप्लीफाई करना हो तो मुझे कर लेते हैं, -1 की पावर है, इसको भी -1 × π/6, -1 की पावर यहाँ पे भी 1 है, तो थीटा इज इक्वल टू n π + -1 की पावर n+1 π/6। ठीक है, ये है जनरल सॉल्यूशन निकालने का तरीका। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, cosec थीटा इक्वल टू 2 है, पहले इसको साइन बनाएंगे, ये 1/2 हो जाएगा। और ये कितने डिग्री की वैल्यू होती है, 5/6, ये हो जाएगा n π + -1 की पावर है 5/6। और इंटीजर यहाँ पे भी लगा दो, जेड बिलोंग टू इंटीजर, बहुत जरूरी है। ठीक है, यही ऐसे करेंगे। कुछ कॉस का देख लेते हैं, कॉस टाइप का, कॉस का क्या है, cos 3θ = -1/2 है। अब 3θ है तो है, कुछ भी थीटा हो तो इसको हम देखेंगे। अब cos -1/2 है, अब -1/2 जीरो से पाई के बीच में तो आता नहीं है, और cos की जो रेंज होती है वो 0 से π होती है, तो उसमें जितने भी एंगल होते हैं सब पॉजिटिव होते हैं, तो -1/2 तो नहीं होने वाला। तो पहले तो हम ये देखेंगे, पॉजिटिव बनाएंगे इसको, कॉस कहाँ निगेटिव होता है, सेकेंड क्वाड्रेंट में। ओके, तो π - π/360 डिग्री, मतलब ये 2π हो जाएगा, π/360 डिग्री और 2 120 डिग्री, 0 से π के बीच में आ रहा हूँ, आ रहा मतलब सही है मेरा, इसीलिए मैं बोल रही थी। नहीं तो यहाँ पे भी क्या करते तुम लोग, अभी -π/3 लिख के फुर्सत हो जाते, फिर कहते कि हाँ मेरा आंसर आ ही नहीं रहा है, गलत हो गया। इसका मतलब यहाँ रेंज लगेगा, मतलब 0 से π जो रेंज होता है उसके कायदे कानून होते हैं। ठीक है, तो सबका रेंज याद होना बहुत जरूरी है, तभी क्वेश्चन हो पाएगा सही तरीके से। मैंने साइन में तो ऐसा नहीं किया क्योंकि साइन की रेंज -π/2 से π/2 थी, उनके बीच में ही है π/6 और -π/6, बट ये नहीं था, ये अब आया 2π/3 जो है 0 से π के बीच में है। मैं यहाँ सब जनरल सोल्यूशन लगा दूंगी, इसका होता है ये वाला जनरल सोल्यूशन, कॉस में भी अभी मैंने वो किया था, प्रूव किया था। यही आंसर है। नेक्स्ट
नेक्स्ट है, एक लास्ट क्वेश्चन करते हैं। सेक थीटा को जनरल सॉल्यूशन पता नहीं है तो कॉस थीटा बना लेते हैं। कितने डिग्री की ये वैल्यू होती है? 30 डिग्री, 5/6। जनरल में एक ही काफी है, एक ही सॉल्यूशन, जनरल में एक ही सॉल्यूशन काफी है। प्रिंसिपल में 0 से 2 पाई के बीच में जितना होता है उतनी सारी वैल्यूज को हम लाई कराते हैं प्रिंसिपल में। मैं बार बार प्रिंसिपल जनरल को डिफरेंशिएट कर रही हूँ बार बार कि प्रिंसिपल क्या है जनरल क्या है। तो इतनी बार जब मैं बोल रही हूँ इसका मतलब है कि समझ में आ गया होगा। तो ये आज के लिए बस इतना ही। मैंने सारे थ्योरम एक्सप्लेन किए, किसका कहाँ पे क्या यूज है, उस पर मैंने क्वेश्चंस करा दिए, अप्लाई भी हो गया सारा थ्योरम। तो कल हम मतलब आप लोग अपना लगा सकते हो क्वेश्चन, मतलब बुक उठाइए लगाइए, किसी भी बुक से लगाइए। जितना आज मैंने ये थ्योरी एक्सप्लेन की है ये बस इतना ही है। जो भी क्वेश्चंस, जो भी मतलब लगाइए, देखिए कि उसमें कौन सी चीज कहाँ पे क्या लग रही है। जब तक प्रैक्टिस नहीं करेंगे, लगाएंगे नहीं, तो हमें पता नहीं चलेगा। क्योंकि क्वेश्चन लगाने से बहुत ढेर सारे कैटेगराइज रहते हैं, तो थोड़ा आइडिया आता है कि हाँ ये चीज, ये क्वेश्चन ऐसे भी हो सकता है, तो क्या यहाँ पे ये होगा। तो यही चीज है। तो कल मैं एनसीईआरटी कराऊंगी, एनसीईआरटी की एक्सरसाइज कंप्लीट करती हूँ। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।